आज 2 अक्टूबर है यानी जयंती का दिन। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 119वीं जयंती है, जिसे देश भर में मनाया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित सब राजघाट और विजयघाट पहुंचे जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म यूपी के मुगलसराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका सादगी भरा जीवन सबको प्रभावित करता था। प्रधानमंत्री बनने से पहले लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके थे। वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो कहते थे कि देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने की बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। हमारी ताकत और मजबूती के लिए सबसे जरूरी काम है लोगों में एकता स्थापित करना। हम खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की शांति, विकास और कल्याण में विश्वास रखते हैं। इन्हीं सब विचारों को याद करते हुए आज सुबह नेता उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।